गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था आत्म परिचय, ठीक है, आत्म परिचय पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, है ना। आत्म परिचय में, आत्म परिचय में पढ़ाया था दिन धीरे धीरे ढलता है, मैंने आपको वो भी करवा दिया है। देखिएगा दिन धीरे धीरे ढलता है, दिन धीरे धीरे ढलता है। अब इसके हम आपको कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर बताते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर हम थोड़े से करवाते हैं। देखिएगा लिखा है आत्म परिचय कविता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कवि के काव्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के काव्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए जो कवि जो है क्या है, कवि स्वभाव से ही प्रेम का दीवाना है। कौन? अरविंद राय बच्चन ने लिखा है ना आत्म परिचय। तो कवि जो है स्वभाव से ही प्रेम का दीवाना है। वह जीवन में प्रेम स्नेह और भावना की काल्पनिक संसार में जीने का इच्छुक है। वह किसी के प्रेम में झंकृत है, झुंझुना रहा उसके मन के अंदर किसी के प्रेम की तार झंझना रही है ना। वह उसके स्नेह की सुरा का पान किया करता है। उसका हृदय प्रेम के उद्गारों से भरा रहता है। उसके मन में प्रेम की ज्वाला हमेशा ही सदा प्रदीप्त रहती है। प्रेम की ज्वाला मतलब जो होती है हमेशा ही प्रकाशित होती रहती है। प्रेम की ज्वाला हमेशा ही जलती रहती है। उसे प्रेम में अवसाद भी झेलना पड़ता है। कभी उसे प्रेम आगे से मतलब प्रेम को प्रेम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो उसको कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो लिखा जाता है कि उसे प्रेम में कभी कभी अवसाद भी झेलना पड़ता है। वह दुनियादारी की परंपराओं से दूर सांसारिक आकर्षणों से अलग एक प्रेमिल संसार रचना चाहता है। उसकी कविताओं में उसका दुख और उसका अभाव भी प्रकट हुए हैं। वह सारे संसार को प्रेम की मस्ती में डुबो देना चाहता है। तो ये लिखा है कविता के काव्य को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो आप सीधे से लिखेंगे कि कवि जो है स्वभाव से ही प्रेम का दीवाना है। वह जीवन में प्रेम स्नेह और भावना के काल्पनिक संसार में जीने का इच्छुक होता है। उसका मन जो है प्रेम से झंकृत है। कभी कभी इसके विषय में उसको अवसाद भी झेलना पड़ता है ना। दुनियादारी की परंपराओं से दूर सांसारिक आकर्षणों से अलग वो एक सीमित संसार रचना चाहता है। उसकी कविताओं में दुख और अभाव ही प्रकट हुए हैं। वह सारे संसार को प्रेम की मस्ती में डुबो देना चाहता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता के कवि की संसार के बारे में क्या राय। तो आत्म परिचय जो कविता है, कविता में बच्चन जी जो है संसार को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। कैसे, क्यों कहते हैं ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी जो हैं संसार को क्या कहते हैं, संसार को भार कहते हैं। वे दुनियादारी को व्यर्थ का क्या समझते हैं, वे दुनियादारी को व्यर्थ का बोझ समझते हैं। वो कहते हैं बोझ, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं सारी दुनियादारी का बोझ लिए घूम रहा हूँ, मतलब संसार को भार कहते हैं। और यही कारण है कि सांसारिकता और दाने के पीछे पड़ने वाले मनुष्य को नादान कहते हैं। सांसारिकता और दाने मतलब जो दानव प्रकृति के जो लोग होते हैं,
जो दानव प्रकृति के लोग होते हैं उनके पीछे पड़ने वाले को मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य को नादान कहते हैं। वे ऐसी सांसारिकता को ठोकर मारते हुए कहते हैं, मतलब ये संसार कैसा है, नादान व्यक्तियों को भी, मतलब जो सभी व्यक्ति होते हैं उनको भी आश्रय देता है और दानव व्यक्तियों को भी आश्रय देता है। तो वो ऐसे समाज को ठोकर मारते हुए कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब कहते हैं कि जो हर व्यक्ति संसार में रहकर के पृथ्वी, मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य का संचय किया करता है, मैं उसको अपने पैर से ठुकरा दिया करता हूँ, वे स्वयं को संसार से बिल्कुल अलग मानते हैं। कहते हैं मैं और जग और वहाँ का नाता। बच्चन जी जो हैं अपने गीतों में भी संसार के सुख दुख कहने की बजाय क्या करते हैं, मतलब सुख दुख कहने की बजाय वे अपने हृदय को व्यक्त करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया है आत्मपरिचय कविता के कवि की संसार के बारे में क्या राय है। ठीक, अब देखिएगा लिखा है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है मैं प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, तो सिद्ध कीजिए कैसे, अथवा दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कविता का प्रतिपाद्य मतलब होता है कविता का सार, मतलब लेखक जो है, मतलब कवि जो है इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है, ठीक। तो कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता जो है इस पर महत्व पर प्रकाश डालती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है, कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में, मतलब प्रेम की जो तरंगें हैं मनुष्य के जीवन में उत्साह उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती हैं, प्रेम के कारण मनुष्य का दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। जब प्रेम, मतलब प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति को दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ महसूस होता है, अपने प्रियजनों से मिलने के, की उमंग से उसके कदम जो हैं तेज़ी से चलने लग जाते हैं, है ना। पक्षी जो होते हैं अपनी नीड़ों में अपने बच्चों को जो छोड़ करके आते हैं उनसे मिलने की आशा में, उनके जो पर होते हैं, पंख होते हैं, उनमें भी गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई आपकी प्रतीक्षा करते हुए नहीं मिलता है तो क्या होता है, आपके कदम जो है ना शिथिल पड़ जाते हैं। आपके कदम शिथिल पड़ जाया करते हैं। ठीक, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य क्या है, मतलब कि कविता जो है प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। उसके अनुसार प्रेम की तरंगे ही मनुष्य के जीवन में उत्साह उमंग और जोश भर देती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य का दिन जो होता है जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। प्रेम होता है एक दूसरे से, तो आपस में यदि, तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है। प्रेम के कारण ही मनुष्य का, मतलब दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, और क्या होता है कि अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग में कदमों में बहुत तेज़ी आ जाती है, पक्षियों के पंखों में गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता हुआ नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनका हमारे कदम शिथिल पड़ने लग जाते हैं। ठीक, अब देखिए, फिर भी मतलब क्या, कवि बच्चन जी के अनुसार संसार में, बच्चन जी का कहना है कि संसार में बहुत से भार हैं, बहुत से कर्तव्य हैं,
और बहुत से मतलब कर्तव्य जो होते हैं हमें इस संसार में रह करके हमें मतलब झेलने पड़ते हैं। उसके कारण जग जीवन के समान प्रतीत होता है। उसके कारण जीवन भार के समान प्रतीत होता है। ऐसे में प्यार करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रायः लोग संसार के झंझटों के कारण ऊब और परेशानी के कारण प्रेम विहीन हो जाते हैं। और कवि के जीवन में ऐसे झंझट हैं, परंतु वह फिर भी प्यार लिए फिरता है, इससे उसकी हिम्मत प्रकट होती है। कहते हैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब कवि बच्चन जी का ये कहना है कि इस संसार में बहुत से ऐसे झंझट हैं, बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, कष्ट दुनिया को झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, कहते हैं कि ऐसे में प्यार करना जो होता है बहुत ही कठिन काम हो जाता है। लोग संसार की झंझटों के कारण ऊब और परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो उसमें पर फिर भी कवि के जीवन में ऐसे झंझट हैं कि कहते हैं ना, परंतु फिर भी मैं प्यार लिए फिरता हूँ, इससे उनकी क्या प्रकट होती है, इससे उनकी हिम्मत प्रकट होती है। हिम्मत का जायजा है कि इतना सारा, कहते हैं जग जीवन में भार लिए फिरता हूँ, तो मतलब सारे संसार के कष्टों को मैं अपने सिर पर उठा करके चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में प्यार की एक जोत जल रही है, प्रेम की एक जोत जल रही है, सारे कष्टों को झेल करके भी मैं अपने अंदर प्रेम की ज्योति जलाए फिरता हूँ, प्रेम की ज्योति जलाए फिरता हूँ। देखिए जग किन्हें पूछता है और क्यों, कहते हैं जग किन्हें पूछता है, जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। जग उन्हें ही पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। आशय है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। कहते हैं सामाजिक भावनाओं का महत्व होता है, सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं का महत्व नहीं होता है। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों का सम्मान नहीं देता है। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बहुत बुरा माना जाता है। कहते हैं जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। मतलब क्या है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व होता है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं होता है। कवि समाज के निजी प्रेम संबंधों को, मतलब समाज जो होता है मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को उतना महत्व नहीं देता है, निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता है। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बुरा माना जाता है, कविता में अपने निजी सुख दुख को प्रकट करना मतलब बुरा माना जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखा है कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझा गया, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक। कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है, कहते हैं कवि जो है भावनाओं को महत्व देता है, प्रेम की भावनाओं को महत्व देता है ना। वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में अपने आप को खपाना नहीं चाहता है। ऐसे संसार को वह ठोकर मारकर कहता है कि वह प्रेम की कोमल भावनाओं में जीना चाहता है। वह धन पैसा संपत्ति ऐश्वर्य को इकट्ठा करना नहीं चाहता है। वह क्या करता है, वह ये चाहता है कि नया प्रेम पूर्ण संसार मिले, जिससे उसके निजी प्रेम सुख को भी पूरा सम्मान दे, जिससे कि निजी प्रेम के मतलब उसका जो निजी प्रेम है, जिससे कि उसका निजी प्रेम को भी उनका पूरा सम्मान मिले,
इससे कि उनके निजी प्रेम सुख को भी पूरा सम्मान मिले। ठीक, कहते मतलब समझ आया। अब ये संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है, तो कहते हैं कवि भावनाओं को अधिक महत्व देता है। कवि मतलब भावनाओं को अधिक महत्व देता है, वह सांसारिक इच्छाओं की जो पूर्ति में अपने आप को खपाना नहीं चाहता। ऐसे संसार को वह ठोकर मार कर कहता है जिस पर की कोमल भाव, और ठोकर मार कर कहता है, और वह क्या करता है मतलब जहाँ संपत्ति ऐश्वर्य लोग इकट्ठा कर देते हैं उस संसार को ठोकर मार देता है, और वह क्या करता है प्रेम की भावनाओं में मतलब प्रेम वह प्रेम की कोमल भावनाओं में जीना चाहता है। इसलिए वह अपने लिए एक नया प्रेमपूर्ण संसार रचना चाहता है। प्रेमपूर्ण जहाँ पर मतलब प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो, जिससे उसे निजी सुख को या जिससे कि उसके निजी प्रेम को पूरा सम्मान मिले, इससे कि उसके निजी प्रेम को पूरा सम्मान मिले। ठीक, इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों कहा गया है? इस कविता में नादान किसे कहा गया है? दाने को। इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्य को नादान कहा गया है। मतलब इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उस मनुष्य को नादान कहा गया है, क्योंकि कवि के अनुसार संसारिक मनुष्य क्या होता है? निराभोगी होता है और वह नादान होता है ना, भोगी होता है और वो नादान होता है, इसीलिए उसे इसे नादान कहा गया है। सांसारिकता के दाने को चुगने में, जो सांसारिकता के एक एक दाने को चुगता रहता है मतलब सांसारिकता में लगा रहता है, उस व्यक्ति को नादान कहा गया है। उस व्यक्ति को क्या कहा गया है? उस व्यक्ति को नादान कहा गया है। ठीक, कवि किस जग को मूढ़ कहता है, कवि किस जग को मूढ़ कहता है और क्यों कहता है? तो कहते हैं कवि सांसारिकता में उलझे हुए संसार को मूढ़ कहता है। वे दुनियादारी का ज्ञान सीखने वालों को मूर्ख कहता है, और क्यों? उसके अनुसार प्रेम की दुनिया ही सच्ची दुनिया है। भोग ऐश्वर्य की दुनिया नहीं। मतलब किस जग को मूर्ख कहता है, उसने पूछा है। कवि सांसारिकता में उलझे हुए मनुष्य को मूर्ख कहता है। वह दुनियादारी का ज्ञान सीखने वालों को मूर्ख कहता है। उसके अनुसार प्रेम की दुनिया जो है वही सच्ची दुनिया है, भोग की नहीं। ठीक, अब देखिएगा, कवि अपने किस सीखे ज्ञान को भुलाना चाहता है। कवि किस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। तो देखिए, कवि सांसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया में छल, कपट, स्वार्थ, मोह और धन कमाने की कला सीखी है। आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। कहते हैं कवि सांसारिकता के ज्ञान को भूलना चाहता है। कहता है आज तक उसने स्वार्थ वाली दुनिया, छल कपट की दुनिया और माया मोह की दुनिया में ही धन कमाने की कला उसने सीखी है। तो आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है और वह इस दुनियादारी को भुलाना चाहता है। ठीक, देखिए, मैं और जग कहाँ का नाता, इसमें कवि क्या कहना चाहता है?
इसमें कवि संसार और अपने स्वभाव का मैं, ठीक है, मैं मतलब मैं, इसमें कवि क्या करता है, और जग कहाँ का नाता, तो इसमें कवि संसार, इसमें कवि संसार और अपने स्वभाव का अंतर, इसमें कवि संसार और अपने स्वभाव का अंतर जो है स्पष्ट करना चाहता है। वह स्वयं भावनाओं के लोक में जीता है, मतलब भावनाओं का लोक तो है ही, काल्पनिक लोक होता है जहाँ पर वो मतलब प्रेम का, प्रेम के, प्रेम में जीना चाहता है, प्रेम मिले ना मिले, नहीं मिलता है तो अवसाद में जीना, अवसाद हो जाता है उसको, तो प्रेम के, वह स्वयं भावनाओं के लोक में, वह स्वयं भावनाओं के लोक में जीता है, जबकि संसार के लोग स्वार्थ में जीते हैं, जबकि संसार के लोग स्वार्थ में जीते हैं, और इस कारण उसका संसार से, इस कारण उसका संसार से स्वाभाविक नाता नहीं हो पाता है, उसका स्वाभाविक नाता नहीं हो पाता है। देखिए फिर लिखा है, शीतलवाड़ी में आग, कहता लिखा है ना, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ से क्या आशय है। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता मतलब क्या होता है, उसके हृदय में बाड़ी से तो मीठा है, शीतल है, लेकिन उसके अंदर विद्रोह की आग लगी हुई है, विद्रोह की आग लगी हुई है, तो इसका तात्पर्य होता है कि कवि की वाणी है कोमल मधुर, कवि की वाणी कैसी है, कोमल है, मधुर है और धीमी है, परंतु उसमें जोश या विद्रोह या विरोध का स्वर मंद नहीं है। आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब कवि का आशय है कवि की वाणी में मधुर, कवि की वाणी कैसी है, मधुर है, मधुर है, मीठी है, सौम्य है, और लेकिन उस वाणी के अंदर भी, उस वाणी के अंदर भी वो उसमें विद्रोह की भावना झलकती है, उस वाणी में भी क्या झलकता है, उस वाणी में विद्रोह की भावना, उस भाव, उसमें विद्रोह की भावना झलकती है, ठीक है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का आशय है क्या, कि उसकी वाणी जो है कोमल है, मधुर है और धीमी है, परंतु उस वाणी में भी क्या है, विद्रोह की, विद्रोह भरा हुआ है, परंतु उस वाणी, वाणी में भी विद्रोह का स्वर विद्यमान है, ठीक आ रहा है समझ में बेटा जी आपके, ठीक है। देखिए आत्म परिचय में कवि का ये कथन कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास प्रकट करता है, तो वाणी में एक साथ में आग और शीतलता, आग भी है और शीतलता भी है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, समावेश क्या है, विरोधाभास ही है, विरोध है, दोनों का विरोध प्रकट करता है ना, ये कहता है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब शीतल वाणी भी है और उसमें विरोध भी है, विरोधाभास भी है, तो विरोधाभास है दोनों की वाणी में, तो इन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए, थकापंथी नहीं, इन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण पथिक जल्दी चलता है। कहते हैं थका हुआ यात्री, जब व्यक्ति थक जाता है तो थका हुआ जो यात्री होता है अपने परिजनों से शीघ्र मिलना चाहता है, उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है तब उसकी गति जो है अपने आप तेज हो जाती है, पता चल जाता है कि यहाँ तक जाकर कि ये चीज़ मिल जाएगी, तो क्या होता है उसकी नेचुरली उसकी जो उसके कदम जो होते हैं, कदम जो होते हैं अपने आप ही जल्दी 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 बढ़ने लग जाते हैं, और उसके मन में डर भी होता है, उसके मन में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं रात ही ना हो जाए, कहीं रात ना हो जाए, और यह डर भी उसके कदमों को, और यह जो डर होता है ये उसके कदमों को और भी तेज कर देता है, ठीक है ना। या क्वेश्चन पूछा जाता है थका हुआ पंथी, पंथी थका हुआ पंथी क्या सोच करके आगे चलने लग जाता है, कहता है जब पंथी, पथिक जब थक जाता है, पथिक मतलब सम, पथिक जब थक जाता है तो वह अपने मतलब मित्रों से संबंधियों से शीघ्र ही मिलना चाहता है, और जब मंदिर पास में हो तो उसके कदम जो हैं और भी तेज़ी से चलने लग जाते हैं, और भी तेज़ी से चलने लग जाते हैं, उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं रात ही हो जाए, और यह डर भी, ये जो डर होता है ये भी उसके कदमों को और भी तेज कर देता है, जिस प्रकार से पंख रात चिड़िया जो होती है अपने पंखों को अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के आती है, लेकिन जब उसको उनकी याद आती है कि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे तो क्या होता है उसके पंखों में गति आ जाती है, उसके पंखों में गति आ जाती है और वो जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है जिससे कि वो अपने बच्चों के पास पहुँच सके, ठीक।
देखिए, पक्षी के पंखों पर में चंचलता क्यों आ जाती है? फिर क्वेश्चन वही आ गया कि वात्सल्य के कारण। वात्सल्य के कारण मतलब वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, मतलब पक्षी जो होते हैं अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। वात्सल्य क्या? वात्सल्यता के कारण माँ अपने बच्चों से प्यार जो करती है वो कौन सा भाव होता है? वात्सल्य भाव होता है। तो वात्सल्य भाव के कारण माँ जो है अब मतलब कि कारण पक्षियों के पंखों में चंचलता आ जाती है। जब पक्षी ये सोचते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो उनके पंख जो है तेजी से, तो उनके जो पंख होते हैं वो तेजी से फड़फड़ाने लग जाते हैं। ठीक। कवि के मन में शिथिलता आने का क्या कारण है? कवि के मन में शिथिलता आने का क्या कारण है? तो कहते हैं कवि के जीवन में कोई अपना है नहीं। ठीक है, कवि के जीवन में कोई अपना है नहीं, कोई परिजन या घर में बैठा हुआ कभी भी कोई भी उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। और जब कोई प्रतीक्षा नहीं करता है तो क्या होता है कि उनके कदम जो है अपने आप ही शिथिल हो जाते हैं। जब पता चल जाता है कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, हमको घर जल्दी पहुंचना है या हमारी कोई राह देख रहा होगा, तो क्या होता है हमारे कदमों में तेजी आ जाती है। और जब कोई इंतज़ार ही नहीं करता है, कोई प्यार ही नहीं करता है, कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो क्या होता है कि उसके कदमों में शिथिलता आ जाती है। ठीक। अगर देखिए, क्या कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पक्षी के कदमों को धीमा कर देता है? बच्चन जी के गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। कौन सा विचार होता है दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? मतलब धीमा कब कर देता है? जब उसके मन में ये विचार आ जाता है कि उसकी कोई भी प्रतीक्षा नहीं करता, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, यह सोच करके उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है तो क्या होता है, उसके कदम जो हैं अपने आप ही ढीले पड़ने लग जाते हैं। कवि के मन में यह विचार आता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसके कदम जो हैं धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है तो उसके कदम जो है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, या उसके कदम धीरे धीरे शिथिल पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप ये काम करिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। ये समझिएगा आत्मपरिचय ये दिन धीरे धीरे ढलता है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये परीक्षा में के लिए मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा बेटा। और जो आपकी चीज़ समझ में नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा। ठीक।